गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी क्लास के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, नो प्रॉब्लम। चलो गुड मॉर्निंग, सारे बच्चे आ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर, ठीक है? देखिए सभी लोग, तो हमारा नया चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल। मेरी आवाज सबको आ रही है? पॉलीनोमियल, ठीक है, इससे नहीं लिखने को हो रहा है, आप समझ जाएंगे। यस, ठीक है। तो चैप्टर का स्टार्ट नाम है पॉलीनोमियल। चलो तो लिखो पॉलीनोमियल की डेफिनेशन, लिखिए सब लोग। पॉइनोमियल इज, लिखो डेफिनेशन, लिखो सभी लोग। पॉइनोमियल इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ, इसे लिखने को नहीं बन रहा इसलिए बोल रहा हूँ। पॉइनोमियल इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ होल पावर्स ऑफ एक्स, होल पावर्स ऑफ एक्स, ठीक है, या होल पावर ऑफ वेरी, होल पावर ऑफ एक्स, आप ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। होल पावर का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। तो आप लोगों को पता होगा होल नंबर क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि नंबर, एक मिनट, इससे तो शायद लिखने को ही नहीं बनना मेरे पास। होल पावर्स का मतलब होता है जीरो, वन, टू। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, ऐसे लिखने को भी नहीं बना। वन टू थ्री, थ्री फोर। चलो पहले फिर से मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ पॉलीनोमियल की। पॉलीनोमियल इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ होल पावर्स ऑफ एक्स, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो एक्स की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर है? होल नंबर मतलब जीरो, वन, टू, एक मिनट है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो जो नंबर ये जीरो से, जो होल पावर्स का मतलब होता है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, मतलब जो इंटीजर्स होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं, जिनमें जीरो भी इंक्लूड होता है उन्हें होल पावर बोलते हैं। तो जैसे कि मैं बोलूं कि एग्जांपल्स, तो अगर मैं उसे बोला जाए कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो जैसे मैं बोलूं कि एक्स की पावर 12, लिखने को नहीं आ रहा है, प्लस, एक मिनट दीजिए मैं दूसरा पैड लेके आता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, मुझे 2 मिनट दीजिए थोड़ा।
चलो सर अब आ गए हैं। सर अब बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैसेज स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया क्योंकि जो पैड था उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। तो प्रॉब्लम सब अच्छा होगा और मैं अब स्टार्ट से ले रहा हूँ, ठीक है? चलो चलो स्टार्टिंग से बात करेंगे हम पॉलिनोमियल की, क्लियर है? तो पॉलिनोमियल में मैंने लिखा है पॉलिनोमियल इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ होल पावर्स ऑफ एक्स। फाइव एक्स की पावर 7 प्लस 10, क्लियर है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो समझते हैं इसको, पावर क्या क्या है, 12, 7, और यहाँ पर एक्स की कोई पावर नहीं मतलब 0, तो 12 क्या है, होल नंबर है कि नहीं, 7 होल नंबर है कि नहीं, और यहाँ कोई पावर नहीं है तो मतलब 0 पावर है, तो 0 भी होल नंबर होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। पार्थ अब शायद मेरी आवाज आ रही होगी, पार्थ मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लीज कमेंट, पार्थ प्लीज कमेंट, यस। तो ये पॉलिनोमियल है, जैसे मैं बोलूं एक्स की पावर 8 माइनस 5 रूट ऑफ एक्स प्लस 20 एक्स, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो 8 क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है मतलब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह एक्स की पावर कितनी है, हाफ। तो मैंने बचपन में पढ़ रखा है कि हाफ इंटीजर ही नहीं है, अगर हाफ इंटीजर ही नहीं तो होल नंबर भी नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्लियर है? जैसे अगला एग्जाम्पल लू मैं, एक्स प्लस 1/ एक्स की पावर -2, क्लियर है? तो ये देखो एक्स की पावर कितनी है, 1, तो 1 होल नंबर है क्या, है, लेकिन सॉरी यहाँ +2 लिखो, सॉरी एक्स की पावर +2, तो ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2। तो आपको पता होगा -2 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 ना तो होल नंबर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, तो होल नंबर्स मतलब 0, 1, 2, 3 की बात हो रही है, तो -2 होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्लियर है? कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, आ गया तो जल्दी नोट करिए, अगर इतनी बात अगर आप लोगों को हजम हो गई है तो जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड, और नोट कर भी लीजिए, मैं स्लाइड का जो बाद में पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको किया था, ठीक है? चलो, तो इसके बाद जो बात आती है पॉलिनोमियल के बाद, उसकी बात होती है डिग्री। कुछ तो गड़बड़ है, 1 मिनट। चलो बात होती है डिग्री की, डी जी आर डबल ई। डिग्री क्या होता है, अगर हम पॉलिनोमियल पहचानना सीख गए हैं तो उसके बाद जो दूसरी बात होती है वो होती है डिग्री। तो डिग्री का मतलब है, तो डिग्री के अंदर लिखिए हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो जो पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है डिग्री। समझने के लिए आवाज नॉट कमिंग, एक बार चेक कर लीजिए, यू आर अंडरस्टूड बट व्हाट यू आर राइटिंग। ओके बेटा, मैं क्या लिख रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा, ठीक है बताता हूँ। डिग्री, तो बेटा डिग्री की डेफिनेशन लिखिए बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, क्लियर है? तो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है
उसे हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं समझाने के लिए अपनी बात को। जैसे मैंने बोला एक्स की पावर 20 माइनस वाई की पावर, सॉरी एक्स की पावर की बात करूं, एक्स की पावर 10 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 10। चलो तो देखते हैं हाईएस्ट पावर क्या रहा है। तो 20 का मतलब है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 20, ये कितना है 10, ये कितना है 2, और यहां पर कोई पावर नहीं मतलब जीरो पावर है। जीरो पावर मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। क्लियर है? चलो तो बताओ 20, 10, 2 और 0, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर है 20, तो इस क्वेश्चन की डिग्री हो जाएगी 20। क्लियर है? चलो 2 नहीं होगी, 20 होगी, जो सब में सबसे बड़ा हाईएस्ट है वो उस क्वेश्चन की डिग्री होती है। क्लियर है? चलो हम और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिया एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 10 प्लस 5x³ माइनस 2x² प्लस 3, ये हमें क्वेश्चन बोला गया। तो चलो आप लोग कमेंट करिए जल्दी से इसकी डिग्री कितनी होगी। पार्थ का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। और लोग वेरी गुड, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। तो देखो जो सबसे बड़ी पावर है, जैसे इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर क्या है, 10, तो सबसे बड़ी पावर अगर 10 है, मैं आप लोगों के स्पीकर भी ऑन कर रहा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है, प्लीज अपने स्पीकर ऑन करके बोलिए तो अब मुझे जल्दी सुनाई भी देगा, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व कर पाएंगे। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 10, तो इसकी डिग्री हो गई 10। क्लियर है? चलो इसके बाद हेडिंग डालिए नोट, मैं 2-3 चीजें पढ़ा के सीधा फिर क्वेश्चनों पर आऊंगा। नोट, नोट क्या है, अगर मान लो डिग्री 1 है, डिग्री क्या है 1, तो डिग्री 1 है तो क्या हुआ, ऐसी पॉलीनोमियल होगी ए एक्स प्लस बी टाइप। डिग्री 1 का मतलब क्या है, वो ए एक्स प्लस बी टाइप होगी कि नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलीनोमियल, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, या थोड़ा सा मिस्टेक है समझ जाओ, लीनियर पॉलीनोमियल। अगर मैं बोलूं कि नहीं डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो बेटा हम इसको बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं बोलूं डिग्री 2 है तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा इसको क्या बोलेंगे, जब पावर 1 थी तो ए एक्स प्लस बी को हमने बोला लीनियर पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे। वेरी गुड बेटा, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन कब बोलते हैं बेटा, जब मैं इक्वल टू 0 लगा दूंगा तब तो इसको इक्वेशन बोलेंगे, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 नहीं लगा रहा हूं तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं, इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे हम इसको, जो आप बोल रहे हो कि इक्वेशन, इक्वेशन नहीं बोलेंगे इसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है बेटा? इक्वेशन जहां होती है, जब इक्वल टू का साइन जहां लगा होता है वहां पर बोलते हैं पॉलिनो इक्वेशन, अगर इक्वेशन का साइन नहीं लगा तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो चलो ये छोटी सी चीज भी आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अगर डिग्री 3 है तो ये कैसा आएगा बेटा, ये आएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। कोई बताएगा इसको क्या बोलेंगे, कोई बताएगा इसको क्या बोलेंगे, इसको तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसको लीनियर प्रोग्राम पॉलीनोमियल, तो इसको क्या बोलेंगे, कोई बताएगा। यस, बहुत बढ़िया राधा रानी, वेरी गुड। इसको बोलेंगे बेटा, लिख लीजिए सब लोग, क्यूबिक, इसे बोलेंगे बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, लिख लीजिए सब लोग। अभी तक तो जो पढ़ा हम इसी के क्वेश्चंस करते हैं अगली स्लाइड में, सब लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आप डिग्री सीख गए, पॉलिनोमियल सीख गए, पॉलिनोमियल क्या होती है। चलो नोटेड, तो मैं अब इसमें क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज के। क्लियर है? चलो
किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। चलो ये आपकी एक्स आई है, एक्स आई लिख लीजिए 3.1, एक्स आई 3.1, प्लीज लिख लीजिए सब लोग एक्स आई 3.1। चलो उससे पहले भी कुछ एक चीज करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक्स आई को शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर में, उससे पहले एक चीज और पढ़ा देता हूँ क्वेश्चन। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन है 5x की पावर 20 प्लस 15x की पावर 12 -9x की पावर 8। कोई तो बोल रहा है, किसी की आवाज आ रही है, बोल सकता है जिसको बोलना है, बोलो। मैंने सबको बंद ही कर दिया, कोई बोल नहीं रहा, सिर्फ आवाज कर रहे हैं, तो मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ये मेरी पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बताओ इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की। पहला क्वेश्चन इसके अंदर कि डिग्री कितनी है, कोई बताएगा, कमेंट करिए प्लीज। बहुत बढ़िया, तो पहला क्वेश्चन इसकी डिग्री है 20, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मुझसे बोला है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 20 क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं पहले, बाकी फिर आपको करने हैं। तो एक्स की पावर 20 का कोफिशियंट आपसे पूछे, तो एक्स की पावर 20 के आगे जो नंबर लिखा है वही होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 20। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलू कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 18 क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 18 क्या होगा। तो मैंने ढूंढना सर्च किया, तो मुझे 18 कहीं भी दिखाई नहीं दिया, मुझे 18 कहीं दिखाई नहीं दिया, तो बेटा आंसर आ जाएगा 0। बेटा मैंने 8 का नहीं पूछा है राधिका, मैंने 18 का पूछा था, तो 18 इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली चलो अब आप लोगों को आंसर देना है, दो क्वेश्चन मैंने बता दिए, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 12 कितना होगा, जल्दी फास्ट कमेंट करिए, जल्दी x की पावर 12 का कोफिशिएंट। बहुत बढ़िया आंसर आया, शायद आयु से गलती से 5 टाइप हो गया है, 15 आंसर होगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 कितना होगा, जल्दी कमेंट करिए। कुछ लोग 9 बहुत जल्दी टाइप कर रहे हैं, इतना जल्दी मत करिए, गलत हो जाएगा। तो जो 9 टाइप कर रहे हैं वो सब गलत है, 10 हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन में हमारे में अगर 10 नहीं है तो आंसर इज 0। क्लियर है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 8 कितना होगा, चलो इसका आंसर दीजिए सब लोग। तो जिनका आंसर 9 है वो गलत है, इसका आंसर -9 होगा, ये माइनस भी कोफिशियंट के साथ ही रहेगा, तो इसका कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 8 होगा बेटा -9। क्लियर है, उम्मीद है ये तीन चीजें सीख गए। एक पॉलिनोमियल क्या होती है, तो पॉलिनोमियल का मतलब जो सारी पावर्स है पॉलिनोमियल में वो होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, नेगेटिव पावर्स नहीं चलेंगी और नॉन इंटीजर पावर भी नहीं चलेगी। दूसरा डिग्री, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, कोफिशिएंट जिस पावर के आगे जो नंबर आगे लिखे रहते हैं उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है, चलो अब डाल दीजिए एक्स आई 3.1, एक्स आई 3.1, तो एक्स आई 3.1 के तीन क्वेश्चन आपके आगे हैं, ये आप देख रहे हैं, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलो पहला क्वेश्चन बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, यस और नो में प्लीज कमेंट करिए, अगर आप कहो तो मैं पोल भी बना सकता हूं। पहले क्वेश्चन पर कमेंट करिए, पहले के पहले में क्या ये पॉलिनोमियल है, पहले के पहले का आंसर क्या ये पॉलिनोमियल है। राधा रानी ये गलत है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि y प्लस
वन अपॉन वाई को बेटा लिखेंगे वाई की पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि तो -1 नॉट ए होल नंबर, क्लियर राधा रानी? क्योंकि इसमें जो पावर है वन अपॉन वाई है, वन अपॉन वाई एक होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है सबको? चलो दूसरे पर कमेंट करिए सब लोग, दूसरे पर कमेंट करिए जल्दी, दूसरे के दूसरे पर कमेंट करिए। वेरी गुड, तो इस बार सब लोग होशियार हो गए। आंसर है नो, क्योंकि रूट एक्स में हाफ, जो हाफ है पावर कितनी है हाफ, हाफ इज नॉट ए, ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं है कि हाफ इज नॉट ए होल नंबर। सही माया कि नहीं? तो हाफ होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। बहुत बढ़िया, सब लोग होशियार होते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो पहले का तीसरा पार्ट, पहले का तीसरा पार्ट देखते हैं। तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, बताइए जल्दी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, करिए जल्दी कमेंट। वेरी गुड, ये है क्योंकि दो पावर इंटीजर होल नंबर है, वन पावर इंटीजर है। चलो चौथे पे कमेंट करिए, पहले के चौथे पर। भाई नो क्यों दे रहे हो आंसर? x की जगह m लिख दिया तब भी चलेगा ना। देखो x का नाम बदल के m लिख दो, m का m y लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको मतलब है पावर से, दो पावर इंटीजर है कि नहीं, सॉरी होल नंबर है कि नहीं, है। वन पावर इंटीजर है और वो होल नंबर है कि नहीं, है। तो 5 की पावर 0 भी ये कैसी इंटीजर है? तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है। प्लीज समझिए, नाम लिखने से चीजें नहीं बदल जाती। जैसे तुम्हारा नाम किसी का नाम, मान लो अथर्व है, अथर्व का नाम हटा के मैं नीरज लिख दूं तो क्या उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ही रहेगी ना। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं बॉयज का नाम, मान लो किसी बॉयज का नाम नीरज है, आई होप इसमें किसी का नहीं हो, उसका नाम मैं बदल के मान लो राधिका रख दूं तो क्या वो लड़की थोड़ा बन जाएगी? वो तो लड़के ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहाँ भी अगर मैंने एक्स की जगह वाई था या वाई की जगह एम था तो पॉलिनोमियल ही रहेगी। बस पावर्स है वो सेम रहनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। किसी का नाम मैंने ऐसे रैंडमली लिया, अगर किसी से मैच करता है तो सॉरी। क्लियर है? चलो अगला है नंबर 10। क्लियर है? तो 10 का मतलब हो गया 10x की पावर 0। बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। तो चलो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। क्लियर है? चलो अब हम बात करेंगे इसके बाद, दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। एक मिनट रुकिए। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं अभी अपलोड कर रहा हूं। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन। चलो भाई इसमें बताना कोफिशियंट ऑफ एम क्यू, तो कोई बताएगा कोफिशियंट ऑफ एम क्यू कितना है? पहले मैं प्लीज, कोफिशियंट ऑफ एम क्यू 1। बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आया। एम क्यू के आगे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान के चलते। बहुत बढ़िया। चलो इसमें बताइए कोफिशियंट ऑफ एम क्यू, दूसरे में बताइए कोफिशिएंट ऑफ एम क्यू कितना है? तो 0 नहीं है, -√3 बिल्कुल सही आंसर है। तो -√3 बिल्कुल सही है। जय बेटा 0 क्यों आएगा? एम क्यू के आगे -3 लिखा तो है -√3, तो इसका कोफिशिएंट बेटा -√3 होगा।
प्लीज समझिए बेटा, माइनस √3 होगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़े बेटा, चलो आगे देखते हैं। इसमें बताइए एम क्यू का कोफिशियंट, वेरी गुड। तीसरे का जो आंसर है वो आ जाएगा -2/3, क्लियर। ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन दो तक कोई भी डाउट हो? क्वेश्चन दे तक किसी को डाउट हो, कोई दिक्कत किसी को? नो, बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे तीन पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा। चलो पहले तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है, देखते हैं एक बार। चलो मोनोनोमियल का मतलब होता है 1, बाई का मतलब 2। इसे भी आप कमेंट कर रहे हो? नो, किस चीज पे कमेंट कर रहे हो वही नहीं पता। चलो ठीक है, ट्राइनोमियल 3, ठीक है। ट्राई का मतलब 3, बाई का मतलब 2 और मोनोमियल का मतलब 7। ये ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक करके बता रहा हूं, डिग्री 7 चाहिए, कितनी चाहिए? डिग्री 7। तो डिग्री 7 मतलब आप पहला टर्म डिग्री 7 का लिख लीजिए, क्लियर है। चलो अब उन्होंने बोला ऐसे में डिग्री 7 का 5 लिख लो, 4 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही डिग्री 7 का टर्म आ गया 5x की पावर 7। मोनोमियल मतलब जिसमें केवल एक ही टर्म हो, तो एक ही टर्म वाली ये सीरीज हो गई कि नहीं हो गई, क्लियर है। चलो ऐसे ही आप 35 की लिखिए कोई सीरीज, एग्जाम्पल लिखिए, सबका आंसर अलग अलग आना चाहिए, सेम आंसर कोई नहीं देगा। डिग्री 35 का कोई भी पॉलिनोमियल लिख के बताओ जिसके अंदर दो टर्म हो, जिसके अंदर दो टर्म हो, प्लीज ट्राई करिए। डिग्री 35 की ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म हो, अर्थ 2x की पावर 35 में केवल एक ही टर्म है, दो नहीं है। बहुत बढ़िया पार्थ, तुम्हारा आंसर सही है, क्योंकि तुमने दो टर्म बना दिए, 5 एक टर्म हो गया, 2x की पावर 35 अलग टर्म हो गया, बहुत बढ़िया। और कोई मुझे 35 की ऐसी पॉलीनोमियल जिसमें दो टर्म हो, बाई मतलब दो टर्म। लोग रिमूव कैसे हो रहे हैं वो पता नहीं चल रहा, फिर ज्वाइन भी हो रहे हैं। 6x की पावर 35, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आ रहे हैं। तो अब तक ये बात समझ में आ गई होगी कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं, कोई एक आंसर पॉसिबल नहीं है। अब एक आंसर सबसे डिफरेंट मैं भी कर देता हूँ, x की पावर 35 प्लस 8 प्लस 8। किसी को ये नहीं जम रहा तो प्लस एक्स कर सकता है, किसी को एक्स नहीं जम रहा तो x² कर सकता है, x² नहीं जम रहा तो x³ कर सकता है, प्लस की जगह चाहे माइनस कर सकता है, 4 लगा सकता है, 8 लगा सकता है, मतलब 35 से कम कोई भी पावर यहाँ लिख सकता है। ये सारे क्या होंगे? डिग्री 35 के पॉलीनोमियल जो बाइनोमियल है, क्लियर है। एक्स की जो पावर आप चाहे लिख लो, 8 की जगह जो नंबर चाहे आप लिख लो, प्लस की जगह माइनस लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये आपका पॉलीनोमियल रहेगा। चाहे तो आप x³ को हटा दो, केवल +8 भी लिख दो, तब भी ये पॉलीनोमियल रहेगा। चलो सब लोग ट्राइनोमियल लिखिए डिग्री 8 का, सभी लोग डिग्री 8 का ट्राइनोमियल लिखिए। बहुत बढ़िया अर्थी, वेरी गुड। आयुष भी वेरी गुड। आयुष तुमने थोड़ा गलत कर दिया, 2 माइनस 8 एक ही टर्म होता है, 2 माइनस 8 को दो टर्म नहीं बोल सकते, आपको 2x माइनस 8 लिखते तो सही होता आपका। बहुत बढ़िया राधिका ने तो कुछ स्पेशल ही लिखा है, बहुत बढ़िया। जय, तुम्हारा आंसर नहीं चलेगा क्योंकि 7 माइनस 9 प्लस 5 तीनों नंबर है, तो ये एक्स की डिफरेंट पावर्स नहीं है, जो टर्म होते हैं वो डिफरेंट पावर, तो किसी एक में तो एक्स लगाना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा। 8 माइनस 5 पार्थ नहीं चलेगा, मैं फिर से बता दूं, x की पावर 8 से स्टार्ट करिए, आगे जो नंबर चाहे लिख सकते हो, -3x की पावर 5 +8 ऐसा कुछ चलेगा, क्लियर है। तो जिन्होंने इस टाइप से लिखे हैं वो चलेंगी, जहां दो नंबर नहीं चलेंगे। मैं ऐसा नहीं लिख सकता -5x की पावर 5 +8x की पावर 5, तो दोनों को मिला के एक टर्म ही बोलेंगे, अगर दोनों के एक्स की पावर सेम है तो दोनों को अलग अलग नहीं बोल सकते। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आया, अगर मैं बोलूं कि 7x -5 + 8, कोई बोले कि इस क्वेश्चन में कितने टर्म है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसमें 3 टर्म, इसमें 2 ही टर्म है, 7x + 8,
3, क्योंकि दोनों को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, और सिंपलीफाई करके कितना आ जाएगा +3, तो ये 7x+3 बनेगा। क्लियर है, दो टर्म बनेंगे। अरति सर भाई आंसर इज करेक्ट। तो अरति सबसे पहले सर अरति ने आंसर किया था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अरति तुम्हारा आंसर ऊपर होगा। जय राधिका आयुष। अरति यस, तुम्हारा आंसर सही था, क्योंकि तुमने x की पावर 8 -2 x की पावर 5 लिया था। ठीक है, तो x की डिफरेंट डिफरेंट पावर के टर्म को ही करेक्ट करते हैं। तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट था। यहां तक सब किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। तीनों क्वेश्चनों में सर हम पॉलीनोमियल पहचानना सीख गए, हम सर कोफिशिएंट निकालना सीख गए, सर हम डिग्री निकालना सीख गए। क्लियर है, क्लियर है नॉट? चलो नो डाउट। तो मैं अगला क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। हम क्वेश्चनों के साथ ही सीखते जाएंगे कि क्या क्या हमें करना है। क्लियर है, एक्सआई की फोटो ही आपके ग्रुप में भी अभी मिल जाएंगे आफ्टर लेक्चर। तो ये क्वेश्चन थोड़े से छोटे दिख रहे होंगे, चलेगा, पर उम्मीद है दिखाई तो दे ही रहे होंगे एटलीस्ट। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। चलो हम क्वेश्चनों के ऊपर ही सॉल्व करते हैं। चलो तो पहले के क्वेश्चन, कोई डिग्री बताएगा पहले क्वेश्चन की? मैं यहीं पर लिखूंगा चौथे का पहला। रुको तो मैं पेंसिल सिलेक्ट करता हूँ। पहले की डिग्री सर, इसमें एक्स की कोई पावर नहीं है तो 0 बहुत सही आंसर है। इस क्वेश्चन की जो डिग्री है, ये हिल क्यों रहा है यार? चलो अब लेते हैं। हाँ तो सर, पहले क्वेश्चन की जो पावर है वो √5 है। √5 मतलब, ठीक है, हम इसके ऊपर सर नहीं लिख सकते हैं इसलिए ऐसा होगा। चलो तो चौथा क्वेश्चन को हम यहां कर लेते हैं। चौथे का पहला तो √5 है, √5 की पावर कितना हो जाएगा? 0। चलो एक्स में बताइए डिग्री जल्दी, एक्स में बताइए डिग्री। हमें केवल एक्स दिया है तो डिग्री कितनी होगी दूसरे क्वेश्चन में? पहले में आ गई 0, दूसरे में बताइए अकेला एक्स दिया। तो एक मिनट रिजल्ट लेता हूं मैं। हाँ शायद मेरा क्वेश्चन ही गायब हो गया, जाने दो। केवल एक्स है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ केवल क्वेश्चन एक्स है। डिग्री बताइए कितनी होगी फटाफट। अगर एक्स लिखा हुआ है तो हाईएस्ट पावर की डिग्री कितनी होगी? 0 नहीं होगी बेटा, 1 होगी। एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 पावर होती है। जब एक्स ही नहीं होता है तब तो हम डिग्री 0 लेके चलते हैं, जैसे √5 में लेके चले। अकेला एक्स दिया है तो डिग्री होगी 1। क्लियर है, क्लियर। चलो तीसरा क्वेश्चन, उम्मीद है सही से करोगे। बताइए एक्स स्क्वायर में डिग्री कितनी है जल्दी? 3-4 लोगों के आंसर आए, बाकी लोग भी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, 2 होगी। चलो तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फटाफट। बहुत बढ़िया, एडवांस में चल रहे हैं। नाम क्या है? आयुष। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर हो गया 10। बस यही रेस्पॉन्स चाहिए, फटाफट होते जाने चाहिए। हमारी एक्स है बहुत घटिया होती है। वाह, तो बहुत से लोगों ने अगले क्वेश्चन का भी आंसर देना शुरू कर दिया 1। बहुत बढ़िया। चलो सिक्स का बताइए, चलो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बता दो, इसमें 0 डिग्री है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 10 है, इसमें 1 है, इसमें बताइए सब लोग। बेटा 3 नहीं है, 5 हाईएस्ट है, 3 हाईएस्ट नहीं है। वाई क्यू से ज्यादा वाई की पावर 5 की वैल्यू है तो डिग्री आएगी 5। बहुत बढ़िया, चलो सब लोग 7 करिए सॉल्व। स्पीड ज्यादा लग रही है तो बता देना। चलो 7 आपको नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। 7 मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने सोचा आपके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन अगर पूछा है तो बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स वाई जेड 3 नंबर्स मल्टीप्लाई में, प्लीज समझिए, 3 नंबर मल्टीप्लाई में, तो एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, जेड की पावर 1, तो तीनों पावर जब नंबर्स मल्टीप्लाई में होते तो पावर एड होती है, तो
तो तीन टर्म है, तो यहाँ पर डिग्री जो आएगी वो तीन आएगी। मैं इसके अभी क्वेश्चंस ले लेता हूँ, इसे क्वेश्चन को कराने के बाद। जैसे एम क्यू एन की पावर सेवन, क्लियर, एम क्यू एन की पावर सेवन तो कितनी आएगी, यहाँ से तीन और सेवन कितनी हो गई, दस। प्लीज समझिए, तीन और सेवन कितनी होगी, दस। यहाँ पे फाइव और वन सिक्स, यहाँ कितना है वन, तो हाईएस्ट कितनी हुई। फिर से देखिए, एम की पावर थ्री दिया और एन की पावर सेवन है, एम की पावर थ्री और एन की पावर सेवन है, इस क्वेश्चन की डिग्री हो जाएगी दस। क्या सबको यहां तक क्लियर है? मैं इसके और क्वेश्चंस ले लेता हूं अभी थोड़ी देर में। ये दस हो जाएगी, एम की पावर थ्री एन की पावर सेवन, क्लियर है। चलो तो इसके हमारे यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। चलो पहले पांचवा कर लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्लास भी ज्यादा देर की नहीं है। चलो पांचवा क्वेश्चन एक बार और कर लेते हैं। चलो बताइए पहला क्या है, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, जल्दी पहचानिए। पांचवे का पहला क्वेश्चन जल्दी पहचानिए, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। पांचवे क्वेश्चन को जल्दी पहचानी है। तो बहुत से लोगों ने आंसर कर दिया है कि सर वो क्यूबिक है, बहुत बढ़िया। जल्दी आंसर मत करिए, पहले का क्यूबिक, सॉरी क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सेकंड का आंसर कीजिए, सेकंड क्यूबिक नहीं है बेटा, क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर दो है इसलिए वो क्वाड्रेटिक है। सेकंड लीनियर है, बहुत अच्छी बात है, सेकंड लीनियर है। थर्ड, पहला क्वाड्रेटिक, दूसरा लीनियर, तीसरा बताइए। जल्दी, लीनियर है, बहुत अच्छी बात है, ये भी लीनियर है। चौथा बताइए जल्दी। चौथा क्यूबिक है, बहुत बढ़िया, चौथा क्यूबिक है। पांचवा, बहुत बढ़िया, पांचवा फिर से क्वाड्रेटिक है। और छठवा मैं बता देता हूं, क्यूबिक है, क्लियर है। यहां तक सबको क्लियर है, क्वेश्चन नंबर फाइव तक, क्वेश्चन नंबर फाइव तक क्लियर है। क्लियर सब क्वेश्चन नंबर फाइव तक? चलो यस, क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या करना है, इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पता है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पता है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है पहले एम क्यू आएगा, प्लस फाइव एम आएगा, प्लस थ्री आएगा। कर लीजिए जल्दी से दोनों क्वेश्चनों को, हाइएस्ट से लोअर पावर की टर्म में लिखते हैं। तो एम क्यू प्लस फाइव एम प्लस थ्री, इसका आंसर आएगा एम क्यू प्लस फाइव एम प्लस थ्री, करिए जल्दी। और इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, तीन, सॉरी हाईएस्ट पावर है पांच, पांच के बाद चार, सॉरी फाइव फोर थ्री टू वन कांस्टेंट, इस ऑर्डर में सजा लीजिए, जल्दी करिए इसको। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कोएफिशिएंट फॉर्म, कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर सिक्स को। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होती है, प्लीज समझना, कोफिशियंट फॉर्म क्या होती है समझते हैं। सब अपने आप गायब हो रहा है, थोड़ा इंटरनेट स्लो है। कोफिशियंट फॉर्म, ठीक है, कोफिशियंट फॉर्म क्या होती है, जैसे मैंने बोला है एक्स की पावर फाइव प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस एट, ये हमको दिया है, हमसे बोला गया इसे कोफिशियंट फॉर्म में लिखिए। प्लीज समझिए, इस पॉलिनोमियल को कोफिशियंट फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखते हैं, सबका ध्यान बोर्ड, सबका ध्यान इधर रहना चाहिए स्क्रीन पर, देख लो एक्स की पावर फाइव तो इसका कोफिशियंट कितना, वन, तो इसे लिखेंगे वन कॉमा फाइव के बाद क्या आता है, फोर, तो आप देखोगे फोर का कोफिशियंट इसमें नहीं है, तो आप लिख दीजिए जीरो। चलो उसके बाद फोर के बाद थ्री, थ्री का कोफिशियंट कितना, थ्री, तो थ्री, इसमें टू का कोफिशियंट गायब है तो कितना आएगा, जीरो।
वन का कोफिशियंट कितना है माइनस टू, तो कॉमा लगा के माइनस टू, और कॉन्स्टेंट कितना है एट। तो ये होती है हमारी कोफिशियंट फॉर्म। तो कोफिशियंट फॉर्म से अगर हमें पॉलिनोमियल लिखनी है तो कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ। वो जीरो वन टू, इसे हम जीरो मानते हैं, इसे वन का कोफिशियंट मानते हैं, इसे टू का, इसे थ्री का, इसे फोर का, इसे फाइव का। मतलब अगर आपको कोफिशियंट फॉर्म दी जाए तो आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। यहाँ फाइव, फाइव वाले का वन मतलब एक्स की पावर फाइव, जीरो मतलब एक्स की पावर फोर का टर्म नहीं है, और इसका मतलब थ्री एक्स की पावर थ्री, जीरो मतलब एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस टू एक्स आएगा, प्लस एट एक्स आएगा। क्लियर है? कोफिशियंट फॉर्म समझ गए क्या सब लोग? बोलो जल्दी बताइए क्या कोफिशियंट फॉर्म समझ में आई? जितनी पावर है वो लिखते जाइए, जो टर्म गायब है उनको जीरो जीरो से लिखते जाइए। क्लियर है? चलो तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है जिसको आपको लिख के बताना है। थ्री एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स की पावर फोर, इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए गायब हो गया, थ्री एक्स की पावर फोर प्लस टेन एक्स माइनस थ्री। जल्दी से इसे कोफिशियंट फॉर्म में लिख के कमेंट करिए, जल्दी से इसे कोफिशियंट फॉर्म में लिख के कमेंट करिए, और जिन्होंने पिछला क्वेश्चन नोट नहीं कर पाया वो नोट कर लीजिए, इंटरनेट स्लो है इसलिए सब गायब हो रहा है। थ्री एक्स की पावर फोर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री, लिख के दीजिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से इसे कोफिशियंट फॉर्म में फटाफट। डन तो बेटा लिख दीजिए क्या क्या आएगा, थ्री कॉमा टेन कॉमा ऐसे लिख दीजिए, जल्दी करिए। थ्री एक्स की पावर फोर प्लस टेन एक्स माइनस थ्री, इसे पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखिए, सॉरी कोफिशियंट फॉर्म में लिखिए। गलत कर दिया आयुष बेटा, सॉरी पार्थ आपने गलत कर दिया, आयुष आपने भी गलत कर दिया, राधा रानी आपने भी गलत कर दिया, अभी तक किसी का सही नहीं है। फिर से बोलता हूं, फोर पावर है तो थ्री, तीन पावर गायब है जीरो, दो पावर भी गायब है जीरो, वन पावर है तो टेन कॉमा माइनस थ्री, ये आएगा। आपने एक भी जीरो गायब किया, पॉलिनोमियल ही चेंज हो जाएगी। तो प्लीज पावर को देखिए, फोर के बाद थ्री आता है, थ्री का टू जीरो वन, अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। चलो तो मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि एक आध दो का चार को तो समझ में आना चाहिए कम से कम। थ्री एक्स की पावर सिक्स माइनस फोर एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, करिए। चलो इसको लिखिए जल्दी से फटाफट, उम्मीद करूंगा सबका सही आएगा। इसकी नॉट विजिबल, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है, थी ट्राई करो दिखाई देगा, या तो मेरा इंटरनेट स्लो है या आपका, औरों को दिख रहा है तो आपका स्लो है, अगर औरों को भी नहीं दिख रहा है तो मेरी तरफ से इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। करिए जल्दी से। तो पहले का आंसर थ्री जीरो जीरो टेन माइनस थ्री, क्लियर है? इसका लिखिए जल्दी से, क्लास खत्म करनी है जल्दी से करिए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, मुझे क्लास खत्म करनी है। थ्री जीरो फोर जीरो, फोर के बाद बेटा दो जीरो आएंगे, फोर जीरो जीरो टू माइनस थ्री आएगा। तो राधा रानी का आंसर सही है। सर कैन वी लीव मीटिंग बिकॉज अवर नेक्स्ट लेक्चर इज देयर एंड अवर लेक्चर टाइम इज आल्सो फिनिश। ठीक है, इसे फिनिश करते हैं, और आप इस जो हमारी जो एक्सरसाइज, इसे फिनिश कर, लेक्चर को खत्म करता हूँ, जो भी होमवर्क है मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, धन्यवाद। इस क्वेश्चन ये पूरे करने हैं, मैं आपको ग्रुप में ही पीडीएफ डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।